जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की प्रताप नगर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 9 किलो 200 ग्राम डोडा पोस्त के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस तस्कर ने तस्करी का नया तरीका ईजाद किया और पार्सल के जरिए एक बस में डोडा पोस्त मंगवाया। पूरे मामले के बारे में बताते हुए थाना अधिकारी सोमकर ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और जाड़ेली निवासी हुक्माराम को गिरफ्तार किया गया। हुक्माराम से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने ये डोडा पोस्त एक बस में पार्सल के जरिए मंगवाया था। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। हुक्माराम के कब्जे से पुलिस को 9 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किया गया है। अब पुलिस हुक्माराम से पूछताछ कर रही है कि वो डोडा पोस्त कहाँ से लाया था और किसको देने जा रहा था। पुलिस उपायुक्त पश्चिम श्रीमती वंदिता राणा द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई का एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में आज प्रताप नगर पुलिस थाना की टीम द्वारा आसूचना के आधार पर हुक्माराम पुत्र रत्नाराम जाति विश्नोई निवासी जालेली चंपावता थाना डांगियावास को 9 किलो और 200 ग्राम अवैध डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया गया है। और मुलजिम से अनुसंधान में सामने आया है कि यह एक निजी ट्रेवल्स की बस से पार्सल के मार्फत यह अवैध डोडा पोस्त मंगवाई गई थी, जिसके क्रम में आगे अनुसंधान थानाधिकारी सदर प्रताप नगर द्वारा किया जाए।